नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन। भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खिंची ने खबर समय जगत के साथ चर्चा में बिजली के बढ़े हुए बिलों को जनता के साथ छलावा बताया। बीच में सिक्योरिटी लेने को जनता के साथ धोखाधड़ी बताया। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार प्रियव्रत जी। नमस्कार सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह खिंची जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। खिंची जी, ये आपकी सरकार के दौरान ₹1 एक यूनिट वाला एक प्रावधान चल रहा था जी, जिसमें 150 यूनिट तक ₹150 का बिजली बिल था, शायद ऐसा कुछ प्रावधान था आप लोगों ने जो शुरू किया था। नहीं, हम लोगों ने जो शुरू किया था ₹100 100 यूनिट ओके देने का तय किया था। 100 यूनिट के पश्चात जो निर्धारित दर है वो लगेगी, परंतु उन उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलेगा जो 150 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली। तो साथ साथ ही अगर मीटर रीडिंग 30 दिन के बाद होती है तो उसमें हमने एक्स्ट्रा 165 यूनिट तक का गैप दिया था कि अगर मीटर रीडिंग ही आपकी 30 डेज से अबव में मीटर रीडिंग होती है तो फिर उसमें आपको 15 दिन का गैप, 15 यूनिट का गैप मिलता है उसमें। ताकि उपभोक्ता को उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके सभी को। अभी क्या हुआ, कुछ उपभोक्ताओं से हमारी चर्चा हुई है जो हमारे संज्ञान में जानकारी आई कि 149 यूनिट तक जो पिछले महीने तक ₹250 बिल आ रहा था उनका, वो बिल 1100 1200 और 1000 के आसपास पहुंच गया। तो जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो ये बताया गया कि इसको 150 की जगह 120 यूनिट कर दिया है स्लैब को, सब्सिडी को, जो सब्सिडी दी जाती थी। तो अब ये आशय की कोई सूचना या जाहिर सूचना डाली जाती है क्या, पहले जनता को बताया जाता है क्या कि कुछ रिवाइज किया जा रहा है? बिल्कुल डाली जाती है। किसी भी उपभोक्ताओं के लिए अगर कोई भी टैरिफ प्लान या कोई भी सब्सिडी प्लान गवर्नमेंट देती है तो उसको पूर्व से प्रचारित किया जाता है। वो पूर्व से प्रचारित करके और उसमें लाभान्वित जो होगा, जो टारगेट ग्रुप है, उसकी जानकारी में लाया जाता है। अब देखिए, इनकी मंशा है नहीं, इनकी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना की परिधि से बाहर करें। अच्छा, और इसलिए ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और जहां हमारी सरकार में 1,15,00,000 डोमेस्टिक उपभोक्ता थे उस समय में, और 1,15,00,000 डोमेस्टिक उपभोक्ताओं में से हमने लगभग 90% उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिलाया था। पर अब वर्तमान में परिस्थिति ये हो गई है कि 20-25% भी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये मंशा गवर्नमेंट की नहीं है कि गरीब लोगों को रियायत दी जाए, उनकी मंशा है कि फर्जी वसूली की जाए, बड़ी बड़ी वसूली की जाए और विदेशों से कोयला खरीदा जाए, जबकि कोयले की पूर्ति हमारे देश के माध्यम से हो सकती है। कोल हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में है और एक दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी और गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी। तो दोनों गवर्नमेंट आपस में बात करके, बड़ा भाई और छोटा भाई बात कर लें और कोल उपलब्ध हो सकती है मध्य प्रदेश को, और ये नहीं बात करेंगे तीसरी पार्टी से, विदेशों से कोल खरीदेंगे जिसमें भारी कमीशन इनको खाने को मिलता है, और विदेशी कोल के चक्कर में और कमीशनबाजी के चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश को ये अंधकार में धकेले हुए हैं और उपभोक्ताओं से अनशन वसूली कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और था, मैं एक जानकारी और चाह रहा था, ये सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है जो जुलाई अगस्त सितंबर में 3 किश्तों में लिया जाता है? आज के समाचार पत्रों में खबर है कि जुलाई में 500 से 2000 रुपए बिल बढ़कर आएगा लोगों का। जो 10-20 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय से भी नीचे जो आते हैं, इस तरह के लगभग प्रदेश में 60-70% लोग होंगे, उनका मासिक बजट किस तरीके से नहीं गड़बड़ा जाएगा? 100% गड़बड़ाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट तो जब कनेक्शन दिया जाता है तब लिया जाता है। ये बीच में मतलब ये बीच में ये अननेसेसरीली ले रहे हैं। पहले इन्हीं की एक सरकार जब थी 2018 से पहले, इनने कुछ कनेक्शन बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए दिए थे। अगर वो दिए थे आपने तो उस समय आपने कोई योजना चलाई थी दीनदयाल जी के नाम से। अच्छा। और अब वो दीनदयाल जी तो हो गए, चुनाव में खत्म, उनका लाभ ले लिया और अब उसके बाद में वापस अब नोट दयाल योजना चालू कर दी इनने के भाई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो। तो ये छलावा जो है ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। जिस प्रकार से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में पहले की पहली टंकी फ्री दी और उसके बाद बिना सब्सिडी की टंकियां दी,
तो इस जनता के साथ छलावा है। तो जिन लोगों का सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं है उनका उनसे ले लिया जाए, पूरी जनता से सारे जितने भी कंज्यूमर है। अगर कल से मैंने कोई मेरी गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई और मेरी गवर्नमेंट ने उसमें आपसे कहा कि हम फ्री में कनेक्शन देंगे आपको बिना कोई अमाउंट जमा कराए, हाँ तो वो भी नहीं बनता ना। और तो हाँ तो उसके बाद में तो लेना, उसके बाद 3 साल बाद आप ही की गवर्नमेंट ने निर्णय है कि हम तो ये वसूल करेंगे, उस समय नहीं लिया गया था तो गलत था। तो ये तो उपभोक्ताओं के साथ छलावा है, ठगी है, खुली खुली ठगी है। ये सरकार ठगों की और चोरों की सरकार है और ये ठगों और चोरों की सरकार इसी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करती आई है। इनने किसी भी फील्ड में कहीं पे भी कोई भी लाभ जनता को नहीं पहुंचाया है। पहले कह दिया हम 2100 में गेहूं खरीदेंगे, गेहूं की समर्थन मूल्य भी उससे कम रहा, बोला कि 200 रुपए से ज्यादा बिल आएगा तो जमा मत करना, मामा कार्ड और कनेक्शन कार्ड दे तो मामा जोड़ने आएगा, मामा मुख्यमंत्री बन गया, हजारों करोड़ों का बिल आ रहा है लोगों का, कोई सुनने वाला नहीं है, वसूली की जा रही, ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं। तो ठग है ये, ठग, इनके लिए एक ही शब्द है कि ठग है। ठीक है प्रियव्रत जी, आपने समय निकाल के हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपकी ये बात सरकार तक पहुंचे और शायद सरकार को कुछ इसमें समझ में आए और आगे वो उपभोक्ताओं के हित में कोई निर्णय कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट।